जोधपुर के तिवरी से बड़ी खबर, मथानिया पुलिस को एटीएम लूट मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। बालरवा में एटीएम लूट का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बता दें कि 17 जनवरी को एटीएम में तोड़फोड़ कर लूट का प्रयास इन लोगों ने किया। बुलारो पिकअप को पुलिस ने जब्त कर लिया है और फिलहाल आरोपी जो थे वो पुलिस को चकमा देने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर आते थे, ये जानकारी सामने आ रही है। मथानिया थाना अधिकारी गौतम डोटासरा ने इस पूरी जानकारी को साझा किया है। अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, देखिए जो एटीएम लूट की वारदात को प्रयास देने का किया गया था अंजाम, इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है और काफी चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लड़कियों के कपड़े पहनकर आते थे जिससे पुलिस को इसका अंदेशा ना हो पाए। फिलहाल क्या पूरी अपडेट सत्येंद्र? मैं आपको बता दूं, जैसे कि जोधपुर जिला कमिश्नर जो है जोश मन, वो लगातार शहरवासियों से अपील कर रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज लगाए, अपने घरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए। उसी का कहीं ना कहीं ये नतीजा है कि शहर में लगातार वारदातों का खुलासा होता नजर आ रहा है। यदि इस मामले की अपन बात करें तो जो वारदात 17 जनवरी को ये हुई थी, उसके बाद लगातार पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर हर गांव के नाके पर इनकी शिनाख्त की थी और उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पाया था कि लोहावट की तरफ ये गाड़ी गई थी। तो उसी के आधार पर पुलिस ने लगातार जांच की। जोश मोहन जी के नेतृत्व में एवं डीसीपी धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मथानिया थानाधिकारी गौतम डोटासरा और लोहावट के थानाधिकारी की संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर इन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने वारदात को करना कबूला है। और इनका सबसे बड़ा एक बात यह निकलकर सामने आती है कि जो आरोपी प्रदीप नाम का है वो प्रत्येक वारदात को इस प्रकार अंजाम देता, तो वो अपनी बहन के वस्त्र पहनकर पुलिस को चकमा देने के लिए काम में लेता हुआ नजर आया। जी चलिए सत्येंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।